सब गाइस वेलकम बैक टू न्यू अनदर क्रिएटिव वीडियो। आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो को देखते हो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गाइस आप लोग एलिट मोशन एप्लीकेशन की मदद से कुछ इस टाइप की वीडियो कैसे बना सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप की वीडियो HDR ब्राउन कलर इफेक्ट वाली वीडियो अभी के टाइम पर इंस्टाग्राम रील्स में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। एंड इंस्टाग्राम रील्स में ट्रेंडिंग में नहीं चल रही, अदर सोशल मीडिया पर भी यार काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। एंड ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग एलिट मोशन एप्लीकेशन की मदद से HDR CC इफेक्ट अपनी वीडियो के अंदर कैसे डाल सकते हैं। तो सारा प्रोसेस आपको बिल्कुल सिंपल स्टेप से बताने वाला हूं। बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आप लोगों को पता है इस चैनल पर आप लोगों को एडिटिंग से रिलेटेड कॉन्टेंट देखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। ओके, तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। एंड सबसे पहले गाइस यहां से आप लोगों को अपने एलिट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। सो ऐसे ही गाइस आप लोग अपने एलिट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको बैक करके दिखा देता हूं। तो जैसे आप अपने एलिट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का यहां पर इसका इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को प्लस वाले आइकन पर टैप करना होगा। एंड किसी भी रेशियो में वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं आप लोगों को यहां पर रेशियो को सिलेक्ट कर लेना होगा। एंड यहां पर आप लोगों को क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो जैसे आप क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे अब आपका इंटरफेस कुछ स्टेप से आ जाएगा। अब फिर से आपको प्लस वाले आइकन पर टैप करना होगा एंड गाइस आपको मीडिया में जाना होगा। ठीक है, मीडिया में जाने के बाद अब इस वीडियो के अंदर गाइस यहां पर आप लोग HDR CC इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपनी वीडियो को यहां पर ऐड कर लेना होगा। ठीक है, तो चलिए अभी के टाइम पे मैं यहां पर कोई भी एक वीडियो ऐड कर लेता हूं। समथिंग मैंने यहां पर ये वीडियो को ऐड कर दिया है एंड वीडियो को ऐड करने के बाद प्लस वाले आइकन पर टैप करना होगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे यहां पर ये वीडियो ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हो इस वीडियो के अंदर कोई भी यहां पर अभी तक HDR CC इफेक्ट ऐड नहीं हो रखा है। तो सबसे पहले तो गाइस मैं इसका साउंड यहां से म्यूट कर लेता हूं क्योंकि आप लोगों को पता है यार कॉपीराइट इशू आ जाता है। सो इस वजह से हमें यहां पर इसका म्यूजिक जो साउंड है वो ऑडियो बंद कर लेता हूं। ठीक है, अब मैंने इसका ऑडियो को तो म्यूट कर लिया है। अब आप लोगों को सबसे पहले यहां पर करना क्या होगा, ठीक है, आपको इसकी वीडियो की लेयर पर क्लिक करना होगा एंड नीचे साइड यहां से आपको इफेक्ट्स में जाना होगा एंड यहां पर आप लोगों को ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद अदर में जाना होगा एंड अदर में जाने के बाद यहां पर देखने को मिलेगा आपको चैनल रैम। ठीक है, RGB आपको इस पर टैप करना होगा एंड यहां से आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप करना होगा। ठीक है, तो जैसे आप स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप करेंगे अब आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप से निकल कर आ जाएगा। अब नीचे की साइड यहां से आप लोगों को करना क्या होगा, यहां से आप जो सेकंड लेयर है मतलब नीचे की साइड से जो सेकंड लाइन है आपको जी पर सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, तो जैसे आप जी पर क्लिक करेंगे आप लोग देखते हो आपका वीडियो का कलर कुछ इस टाइप से कलर ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद यहां से गाइस आपको डायरेक्टली बैक आना होगा एंड बैक आने के बाद आपको फिर से इफेक्ट वाले आइकन पर टैप करना होगा, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना होगा एंड गाइस यहां से ऐड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कलर एंड लाइट में जाना होगा। कलर एंड लाइट में जाने के बाद यहां पर गाइस आप लोगों को एक इफेक्ट देखने को मिलेगा सैचुरेशन वाइब्रेंस का। ठीक है, सो आपको इस पर टैप करना होगा। इस पर टैप करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप करना होगा एंड फिर से आपको इस इफेक्ट पर क्लिक करना होगा। ठीक है, अब इस इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहां से आपको करना क्या होगा, ठीक है, इसको यहां से आप लोगों को समथिंग 20 समथिंग कर लेना होगा प्लस 20 आपको 20% कर लेना होगा। ठीक है, इसको 20% करने के बाद अब आप लोगों को आपको आना होगा वाइब्रेंस पे एंड वाइब्रेंस को भी थोड़ा आपको बढ़ा लेना होगा। ठीक है गाइस, आपको इसके समथिंग इसकी वाइब्रेंस को आपको 1.50 आपको इसको रख लेना होगा। मैं कर लेता हूँ इतना। ठीक है, ठीक है, इतना करने के बाद अब डायरेक्टली आप लोगों को गाइस बैक आना होगा। ठीक है, बैक आने के बाद अब प्लस वाले आइकन पर टैप करना होगा एंड कोई भी यहां पर आप लोगों को एक शेप को ले लेना होगा। ठीक है, शेप को लेने के बाद इसको यहां से कुछ स्टेप से फुल स्क्रीन में कर लेना होगा एंड फुल स्क्रीन में करने के बाद कलर वाले फिल पर क्लिक करना होगा एंड यहां पर आप लोगों को इस वाले कलर को यहां पर सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, इस वाले कलर को आपको सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली बैक आना होगा एंड बैक आने के बाद आप लोगों को बिल्कुल इसको लास्ट तक कर लेना होगा। ठीक है, इसको लास्ट तक करने के बाद अब गाइस यहां से आप लोगों को करना क्या होगा, अब आप लोगों को ब्लेंडिंग एंड ऑपोजिट वाले आइकन पर टैप करना होगा एंड यहां से आप लोगों को डिफरेंस में जाना होगा एंड डिफरेंस में जाने के बाद यहां से आपको सब्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो जैसे आप सब्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे अब ये कुछ इस टाइप से यहां पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को डायरेक्टली बैक आना होगा एंड बैक आने के बाद यहां पर आपको इफेक्ट्स में जाना होगा, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना होगा एंड ऐड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहां से आप लोगों को यहां पर सर्च करना होगा। यहां पर आप लोगों को एक इफेक्ट देखने को मिलेगा कॉपी बैकग्राउंड। ठीक है, सो जैसे आप कॉपी बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे अब आप लोगों को स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप करना होगा तो देख सकते हो ये इफेक्ट यहां से ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से आप लोगों को यहां पर बैक आना होगा एंड बैक आने के बाद यहां से आपको इफेक्ट्स में जाना होगा एंड फिर से आपको ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना होगा एंड यहां से अब आप लोगों को एक सेकंड इफेक्ट को ऐड करना होगा। उस इफेक्ट का नेम है घोशन बलर। ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा घोशन बलर, सो आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप करना होगा एंड फिर से आप लोगों को ये इफेक्ट ऐड हो जाएगा। अब आप लोगों को इस घोशन बलर पर टैप करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप से आ जाएगा।
अब इसको समथिंग यहाँ पर बढ़ा लेना होगा, ठीक है। इसको आपको 0.50 आपको समथिंग इसको रख लेना होगा, एंड इसको रखने के बाद फिर से आपको बैक आना होगा, ठीक है। बैक आने के बाद फिर से आप लोगों को ऐड इफेक्ट पर टैप करना होगा। ऐड इफेक्ट पर टैप करने के बाद अब आपको थर्ड इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इसी इफेक्ट का नेम है एक्सपोजर गामा, ठीक है गाइस। आप लोगों को इसको ऐड कर लेना होगा। तो फाइनली ये देखते हो कुछ हिसाब से आ जाएगा, एंड फिर से आप लोगों को स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप करना होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप करने के बाद अब आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा एक्सपोजर। सो आपको इसको एक्सपोजर को समथिंग आप लोगों को अपनी वीडियो के हिसाब से कर लेना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं अपने वीडियो के हिसाब से इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं समथिंग इसको अभी के टाइम पर यहाँ पर 0.80 हिसाब से कर लेता हूं, ठीक है। मैंने यहां पर कर लिया 0.80, एंड इसको रखने के बाद अब देखने को मिलेगा आपको सेकंड में गामा। तो आप लोगों को गामा पर क्लिक करना होगा, ठीक है। गामा पर क्लिक करने के बाद इसको आपको यहां पर थोड़ा माइनस कर लेना होगा, ठीक है। इसको हल्का सा आपको माइनस करना होगा, इसको समथिंग आपको 0.900 आपको रख लेना होगा, ठीक है। इसको रखने के बाद अब लास्ट में आपको देखने को मिलेगा ऑफसेट का। सो आपको ऑफसेट पर टैप करना होगा, एंड इसको यहां से आप लोगों को गाइस आपको बिल्कुल माइनस करना होगा। इसको 0.something आपको इसको रख लेना होगा, 0.10 आपको इसको रखना होगा, ठीक है। रखने के बाद अब डायरेक्टली आप लोगों को गाइस बैक आना होगा, ठीक है। बैक आने के बाद अब आप लोगों को फिर से प्लस वाले आइकन पर टैप करना होगा, एंड यहां से आप लोगों को फिर से एक सेप को लेना होगा, ठीक है। एक सेप को लेने के बाद इसको फिर से वही प्रोसेस आपको फुल स्क्रीन में करना होगा। फुल स्क्रीन में करने के बाद बिल्कुल आपको इसको लास्ट तक कर लेना होगा, ठीक है। लास्ट तक करने के बाद अब आप लोगों को कलर एंड फिल वाले आइकन पर टैप करना होगा, एंड यहां से गाइस आप लोगों को व्हाइट कलर को सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो जैसे आप व्हाइट कलर को सेलेक्ट करेंगे, अब कुछ स्टेप्स यहां पर ये व्हाइट कलर इसमें ऐड हो जाएगा। अब आप लोगों को फिर से ब्लेंडिंग एंड ओपोसिट वाले आइकन पर टैप करना होगा, एंड यहां से आपको क्लिक करना होगा कॉन्ट्रास्ट पर, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट पर क्लिक करने के बाद यहां से आपको ओवरले को सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो जैसे आप ओवरले को सेलेक्ट करेंगे, आप लोग देखते हो आपकी वीडियो के अंदर यहां पर कुछ इस टाइप से ऐड हो जाएगा। आप लोग देखते हो आपकी वीडियो के अंदर यहां पर HDR ब्राउन कलर इफेक्ट ऐड हो चुका है, जो कि देखने में यार काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। तो इस टाइप से गाइस आप लोग अपनी वीडियो के अंदर HDR ब्राउन कलर इफेक्ट ऐड कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में, आप लोगों ने देखा होगा। सो फाइनली हम देखते हो बहुत ही यार कमाल का ये वीडियो लग रहा है। तो गाइस अगर आप लोग इस टाइप की वीडियो अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं, तो वीडियो को सेव करने के लिए यहां से आपको इस वाले आइकन पर टैप करना होगा, एंड एक्सपोर्ट पर टैप करना होगा। तो जैसे आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, आपका वीडियो यहां पर एक्सपोर्ट होने लगेगा, एंड तक लिए वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपके साथ ये शेयर करना था। मैं तो आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए हिंद।